हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे सभी और मेरी लास्ट वीडियोस देखते हुए आ रहे होंगे। होप सभी को लास्ट वीडियोस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगर आपको वो वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वैसे ही आज भी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगने वाली है और काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। एक्चुअली आज मैं बात करने वाला हूँ ओ लेवल कोर्स के बारे में। क्या होता है ओ लेवल कोर्स, कौन करवाता है इसको, कहाँ से हमें करना चाहिए, कितने साल का होता है, करने के फ़ायदे क्या हैं और कितनी फ़ीस होती है ओ लेवल की, ये सारे डाउट्स आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस तरह के कंटेंट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली इस वीडियो से आज। तो मैं वन बाई वन हर किसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाला हूँ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, जो ओ लेवल कोर्स होता है वो आपका वन ईयर का कोर्स होता है और इसका फुल नेम होता है ऑर्डिनरी लेवल कोर्स, ऑर्डिनरी लेवल कोर्स, ठीक है। एक साल इसको इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि इसके दो सेमेस्टर्स होते हैं, मतलब कि चार पेपर टोटल होते हैं आपके। चार पेपर में दो पेपर एक बार होंगे, दो पेपर आपके एक बार होंगे, तब जाके चार पेपर क्लियर होंगे। जब चारों पेपर आप क्लियर कर लेंगे तब आपका ओ लेवल कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। देखो, ओ लेवल के जो दो पेपर्स होते हैं वो होते हैं, आप दे सकते हैं जुलाई में या जनवरी में, या फिर जो मंथ में आप देना चाहें, मतलब दो दो पेपर दो बार करके देंगे आप। जुलाई में पेपर होते हैं और जनवरी में पेपर होते हैं, इसके अलावा कभी पेपर नहीं होते हैं, ठीक है। इतना चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप, मतलब कि दो सेमेस्टर जो हैं वो जुलाई के लिए है और जनवरी के लिए है। दो दो पेपर आप दो बार में देते हैं और चारों पेपर क्लियर हो जाते हैं। कौन होते हैं चारों पेपर? तो आपका जो पेपर्स होते हैं, सबसे पहले होता है आईटी टूल्स का, दूसरा होता है वेब डिज़ाइनिंग का, तीसरा होता है आईओटी का एंड लास्ट होता है आपका पाइथन का। ये चार पेपर्स होते हैं, चारों पेपर आपको क्लियर करने पड़ते हैं तब ओ लेवल कंप्लीट होता है। आपके जैसे दो पेपर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट आप कहाँ पे सबमिट करेंगे? तो इस कोर्स को जो कंडक्ट कराता है वो होता है नाइलिट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये नाइलिट इंस्टीट्यूट है जो ओ लेवल का कोर्स कंडक्ट कराता है। बात करें ओ लेवल में फीस कितनी पड़ती है, तो फीस की बात करें तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपका 5 से 6 हज़ार में ओ लेवल कंप्लीट हो जाता है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं तो 15 से 20 हज़ार तक आपका एक्सपेंस आ सकता है। वो कैसे? आपकी जो फीसेस होती हैं, सबसे पहले तो ओ लेवल में आपको एडमिशन कराना पड़ेगा, उसका जो चार्ज रहता है वो 500 का रहता है, 500 रुपये में आपका एडमिशन होगा। और चार पेपर होते हैं, चारों पेपर की 1-1 हज़ार फीस जाती है प्लस 100 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस जाती है, मतलब कि 4400 आपके पेपर्स के हो जाते हैं, 500 आपके एडमिशन के हो जाते हैं, लगभग आपका 5000 ये एक्सपेंस हो जाता है। साथ ही में जब आप प्रैक्टिकल सबमिट करते हैं, अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, तो वहाँ पे 100 रुपये चार्ज आता है, तो 5500 तो ऐसा ही हो गया। बाकी इसके अलावा भी कोई एक्सपेंस वैसे नहीं होते हैं, लेकिन आने जाने का एक्सपेंस आपका हो सकता है जहाँ भी पेपर लगेगा, ठीक है। तो ये आपके ओ लेवल के पेपर्स रहेंगे और उसका एडमिशन इस तरीके से होगा जो आप जुलाई में या अगस्त में, जुलाई में या जनवरी में ले सकते हैं। चारों पेपर क्लियर होंगे तब आपका ओ लेवल होगा, एक प्रोजेक्ट सबमिट होगा जो कि आप दो पेपर के बाद अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बात करें सर ओ लेवल करें कहाँ से, तो आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, उसके लिए हमारे चैनल पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, देख सकते हैं और अच्छे से एजुकेशन ले सकते हैं यहाँ से, जिससे अपने एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। या फिर आपके आसपास में अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से भी कर सकते हैं, या किसी नाइलेट रजिस्टर इंस्टीट्यूट से भी आप ओ लेवल कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। सर ओ लेवल कोर्स करने की योग्यता क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन सभी का होता है। तो अगर आप कक्षा 12वीं पास हैं, 12th पास आउट हैं, तो ओ लेवल कर सकते हैं। इससे कम अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप ओ लेवल में एडमिशन नहीं ले सकते, इतना हमेशा ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करें ओ लेवल कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो इसमें आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो अपना सेल्फ नॉलेज के अकॉर्डिंग भी आप अपना बिजनेस चूज कर सकते हैं, बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वेब डिज़ाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा आपको, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सेल्फ अर्निंग भी आप कर सकते हैं, या फिर ओ लेवल डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको काफ़ी सारी कंपनीज हायर करती हैं जहाँ पे आपको जॉब एज अ जॉब करना होता है और वहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। सैलरी जो रहती है कम से कम ओ लेवल स्टूडेंट की 15 से 50 हज़ार तक, 15 हज़ार से शुरुआत है, 50 हज़ार तक आपकी सैलरी हो सकती है अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं तो।
तो स्टूडेंट्स, ये सारी आपकी डिटेल्स थी ओ लेवल कोर्स के बारे में। अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट है ओ लेवल को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर डालिएगा, मैं उसका रिप्लाई विद इन 24 आवर्स में जरूर दूंगा। और स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही में एक बार और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं। मैंने अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स लॉन्च कर रखा है, जो कि है बेसिक कंप्यूटर कोर्स BCC। इसकी और उसकी ड्यूरेशन होती है 3 मंथ्स की, जिसका सर्टिफिकेट मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। बट एक छोटा सा एग्जाम क्वालिफाई करना है, अगर उस एग्जाम में आप पास हो जाते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। और सर्टिफिकेट जो रहेगा वो आपका ऑनलाइन वेरीफाइड रहेगा, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूंगा, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। अगर आपको यूजफुल लगता है तो कोर्स करें, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है मेरी तरफ से। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, काफ़ी सारे बच्चे अब करना भी चाहते हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो में भी इसको इन्फॉर्म कर दिया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।